सर थोड़ा पीछे हटो ना। कॉन्फ्रेंस दो हाथ से ताली। उमर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे डेलीगेट साहबान और यहाँ राजीव जी को बुलाऊंगा कि वो जो खाली कुर्सियां पड़ी है सभी साथी जो हैं आगे आते जाएं और अपनी जगह लेते जाएं। डोगरी रिवाज के मुताबिक पगड़ी पहना कर उनका स्वागत करें, सभी तालियां बजाएंगे और राजीव जी इधर आए और स्टेज पे आके। और साथियों और बुजुर्गों, आज हमारे लिए बहुत एक खुशी का इम्कान है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 370 के मामले में, उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। सर क्या देखते हैं, नए कश्मीर हर बार 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 बोला जाता है दिल्ली में, लेकिन नया जम्मू कश्मीर आतंकवाद से भर रहा है, बेरोजगारी से भर रहा है, क्या देखते हैं? नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप जमीनी सतह पर देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है, अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई है। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है, बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, बेरोज़गारी जो है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। लगभग 5 बरसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयमेंट रेट डाउन नहीं आया है। सरकार सर बांग्लादेश के हालात क्यों नहीं है? जहाँ मेरे अपने हालात ठीक नहीं है, मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूंगा? हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा का सही इंतज़ाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं, फिलहाल हम बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियां वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल कर सकें। फिलहाल तो एलजी के पास पावर्स होंगे ही, लेकिन स्टेट हुड वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा, मैं तो उस चीज़ पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोलें ना बोलें, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल पांडिचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर